हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मेलॉन्च। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सनस्क्रीन। यस, आई अग्री कि समर सीजन में एक सनस्क्रीन डेली अप्लाई करना, उसको रीअप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्पेशली सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद बहुत जन को स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्किन डार्क दिखने लगती है, वाइट कास्ट दिख सकता है। एंड ऑल्सो बहुत जन के क्वेश्चंस होते हैं, सनस्क्रीन डेली यूज़ करना सेफ होते हैं कि नहीं, बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो ऑन। बट लेट मी टेल यू, अगर आप स्किन को सन में एक्सपोज कर रहे हो, इन दैट केस आपको सनस्क्रीन डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, स्पेशली अगर आप को स्किन टैनिंग है, पिगमेंटेशंस है, एंड अगर आपको प्रीमैच्योर फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब नहीं चाहिए। तो आज ये वीडियो में जो सनस्क्रीन, जिन सनस्क्रीन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो सारे बहुत ही सेफ एंड इफेक्टिव सनस्क्रीन्स हैं, जो कि समर फ्रेंडली भी है, मतलब बहुत ही लाइट वेट टेक्सचर है सारे सनस्क्रीन्स के। होपफुली आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इनको यूज़ करने में, एंड नन ऑफ दिस सनस्क्रीन्स विल गिव यू अ वाइट कास्ट और स्टिकी फील। तो होपफुली आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं सारे सनस्क्रीन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट सनस्क्रीन ऑफ टुडे इज द सुगंधा टोटल डिफेंस सनस्क्रीन SPF 50 एंड PA +++++। तो ये सनस्क्रीन काफ़ी टाइम से मार्केट में है, बट मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया एंड आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट सनस्क्रीन है ये, जिससे आपको ऑयली चिपचिप फील नहीं होता है। एंड ऑल्सो ये सनस्क्रीन ऑल दो क्लेम करती है कि ये मैट फिनिश है, इंस्टेंट इसको अप्लाई करने के बाद एक सिल्की सैटिन टाइप फिनिश मिलता है, एक हल्का ड्यूई ग्लो मिलता है। ऑल्सो इस सनस्क्रीन के अंदर एडवांस्ड न्यू जनरेशन फिल्टर्स है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होते हैं एंड ऑल्सो बहुत ही फोटो स्टेबल है। एंड इस सनस्क्रीन के अंदर प्रेजेंट है नायसिनमाइड, एंड जिसकी वजह से ये सनस्क्रीन फर्दर स्किन डार्कनिंग को प्रिवेंट करेगा। ओवरऑल अ वेरी गुड सनस्क्रीन, एंड इस सनस्क्रीन की परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। तो इट वर्क्स गुड अगर आप टाइम टू टाइम रीअप्लाई करते हो, तो अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में हो तो यू हैव टू रीअप्लाई दिस सनस्क्रीन एवरी 2 to 3 hours। एक सिंगल अप्लीकेशन के बाद अगर आप दिन भर बाहर रहोगे, इन दैट केस आपको डेफिनेटली टैनिंग होगी थोड़ी। नॉट ओनली ये सनस्क्रीन, कोई भी सनस्क्रीन को आपको रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड नेक्स्ट इज द इजेंट्री हाइलुरोनिक एसिड वाटरी जेल सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन मैं पर्सनली खुद यूज़ कर रही हूँ, एंड इस सनस्क्रीन के अंदर भी न्यू जनरेशन फिल्टर्स है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैंने ये सनस्क्रीन वेकेशंस, बीच ट्रिप्स, हॉलीडेज के दौरान यूज़ किया है, तो मैं इतना कह सकती हूँ कि दिस सनस्क्रीन एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द स्किन वेरी एफिशिएंटली। बहुत ही हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है, बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन है, एंड ये सनस्क्रीन सूटेबल है सारे स्किन टाइप्स के लिए। बट अगर आपको ड्यूई फिनिश पसंद नहीं है, इन दैट केस ये सनस्क्रीन आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सनस्क्रीन अप्लाई करके एक बहुत अमेजिंग ग्लो मिलता है, एक बहुत ही ड्यूई फिनिश मिलती है। काफ़ी जन है स्पेशली जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, उनको इतना ड्यूई लुक पसंद नहीं होता है, उनको मैट लुक चाहिए होता है, तो इन दैट केस ये सनस्क्रीन सूटेबल नहीं होगा। परफॉर्मेंस वाइज दिस इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन आई हैव यूज्ड, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन ऑफकोर्स। एंड ऑल्सो ये सनस्क्रीन्स काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट टेस्टिंग अंडरगो किया था, एंड सारे रिजल्ट्स में ये सनस्क्रीन पास हुआ था। रिगैलिस सोलर सेफ सनस्क्रीन, ये एक फर्मा कंपनी का सनस्क्रीन है, एंड डॉक्टर्स ऑफन टाइम्स ये सनस्क्रीन रिकमेंड भी करते हैं। इस सनस्क्रीन का भी टेक्सचर काफ़ी लाइट वेट एंड स्मूथ टेक्सचर है। ऑल्सो ये एक सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है, तो अप्लाई करने के बाद एक सैटिन सिल्की फिनिश प्रोवाइड करता है, हल्का ड्यूई लुक प्रोवाइड करता है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद जैसा फील होता है, ऑलमोस्ट लाइक दैट। बट क्योंकि ये एक सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है, तो एट द एंड ऑफ द डे इस सनस्क्रीन को अच्छे से क्लीन करना, थरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सिलिकॉन रेसिड्यूज रह जाएंगे, जिससे आपकी स्किन पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, एंड ऑल्सो नाइट में जो भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स अप्लाई करोगे वो अच्छे से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। अगर आप अच्छे से प्रॉपरली थरली क्लीन करते हो, आई प्रेफर डबल क्लींजिंग इन द इवनिंग, इन दैट केस सिलिकॉन बहुत ही सेफ होते हैं, सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन्स बहुत ही सेफ एंड इफेक्टिव होते हैं। एक और बात है, कभी कभी समटाइम्स ये सनस्क्रीन अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र के साथ अप्लाई करो, तो एक अप्लाई करने के बाद एक वाइट रेसिड्यू रह जाते हैं, जिसको हम पीलिंग कहते हैं। बट इतनी गर्मी में मैं डे टाइम में मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करती हूँ, तो इट वर्क्स
फाइन फॉर मी। एंड ऑल्सो अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर भी रहे हो, इन दैट केस भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई कोई मॉइस्चराइजर के साथ ये पील करता है, वो भी कभी कभी, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। एंड नेक्स्ट नंबर 4 पे है द IPCA Acne UV Gel Sunscreen SPF 50 PA प्लस 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 PA ट्रिपल प्लस। ये सनस्क्रीन भी एक फार्मा कंपनी का सनस्क्रीन है एंड नॉन कमीडोजेनिक ऑयल फ्री फॉर्मूला है इसका। नॉन कमीडोजेनिक मतलब ये स्किन पोर्स को क्लॉग नहीं करते हैं एंड इसकी वजह से एक्ने प्रोन ऑयली कंजेस्टेड स्किन टाइप्स जिनकी है, फॉर एग्जांपल जिनको बहुत इजीली ब्लैक हेड्स आते हैं, वाइट हेड्स आते हैं, उनके लिए ये सनस्क्रीन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लाइट वेट सनस्क्रीन है जो स्किन के अंदर बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो जाता है, बट परफॉर्मेंस वाइज भी ये अच्छा काम करता है। बट मेक श्योर कि आप अगर लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए सन में हो तो टाइम टू टाइम एवरी 2-3 आवर्स रीअप्लाई कर रहे हो, बिकॉज इसका जो PA प्रोटेक्शन है इट इज़ ओनली ट्रिपल प्लस एंड नॉट 4+। एंड देन 5th स्पॉट पे है द डिकॉन्स्ट्रक्ट सनस्क्रीन, जिसका रिव्यू मैं पहले भी मैं कर चुकी हूँ, बट हेलो समर फ्रेंडली सनस्क्रीन के लिस्ट में इसको तो रहना ही था, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन है जो बहुत इजीली स्किन में ब्लेंड भी हो जाता है एंड इस सनस्क्रीन से एक नॉन ऑयली फिनिश मिलता है विच इज़ ग्रेट। एंड प्लस पॉइंट इस सनस्क्रीन का एक मेजर प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत बहुत बजट फ्रेंडली है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत स्ट्रिक्ट बजट होता है, उनके लिए तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सनस्क्रीन, परफॉर्मेंस वाइज भी ये सनस्क्रीन अच्छा काम करेगा, बट एक डाउनसाइड है, छोटा सा डाउनसाइड ये है कि इस सनस्क्रीन के अंदर ओल्ड जनरेशन केमिकल फिल्टर्स प्रेजेंट है, जो इफेक्टिव तो है, सेफ भी है, बट फोटो स्टेबल नहीं है, तो ये सनस्क्रीन मेटिक्यूलसली आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। अनदर गुड सनस्क्रीन दैट आई हैड टू मेंशन इज द रिक्वल अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन। ये भी एक सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है जो कि ऑयली स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक ऑल स्किन टाइप्स कैन यूज दिस सनस्क्रीन। इट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन एंड ये सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद कोई वाइट कास्ट भी आपको नहीं दिखेगा। इट्स अ गुड सनस्क्रीन दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई, स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन। बट अगेन ये सनस्क्रीन भी एक सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है, तो इसको भी आई थिंक क्लीन करने के लिए आपको डबल क्लेंजिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज अबाउट समर फ्रेंडली सनस्क्रीन, कुछ ऐसे सनस्क्रीन ऑप्शंस जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी समर सीजन में। अगर आपकी कोई ऑलरेडी फेवरेट सनस्क्रीन है जो आप यूज़ कर रहे हो, देन कीप यूजिंग दिस सनस्क्रीन, नो नीड टू चेंज। बट अगर आपको एक अच्छा ऑप्शन चाहिए, देन यू कैन ट्राई एनी ऑफ दिस सनस्क्रीन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू सून विद माई वेरी नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर, लव यू।